नमस्कार दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूँगा कि देखिए 9 मार्च 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। तो अगर आपका कोई भी पुराना केस है, जैसे चालान हो गया, बैंक का मामला हो गया, ईएमआई का मामला हो गया, कोई लोन से संबंधित हो गया, या बिजली का बिल हो गया, या कोई अदर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो ऐसे कोई केसेस है, कोई नाली का हो गया, कोई रास्ते का हो गया, कोई किसी भी चीज़ का छोटे मोटे, कोई मेढ़ का हो गया, ऐसे कोई अगर आपके विवाद हैं जो लंबे समय से कोर्ट के चक्कर आप लगा रहे हैं लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, वो मुकदमा ख़त्म नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों को मैं सजेशन करना चाहूँगा, आप बिना देर किए हुए नेशनल लोक अदालत में अपना केस लगवा सकते हैं। लगवाने के प्रोसेस क्या है, मैं आप लोगों को अपने कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ। आप ऑनलाइन भी लगवा सकते हैं, ऑफलाइन भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा आप जो विधिक सेवा प्राधिकरण यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है वहाँ पे जाकर, या जो भी आपका नज़दीकी कोर्ट होता है वहाँ पे विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, वहाँ जाकर आप हेल्प ले सकते हैं, या किसी एडवोकेट, जो लोकल एडवोकेट होते हैं उनको इंगेज कर सकते हैं और जाकर अपना केस को नेशनल लोक अदालत में लगवा कर और उसको ख़त्म करवा सकते हैं। चूँकि अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, आज 4 तारीख है, 9 तारीख को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। ट्रैफिक चालान के जो केसेस होते हैं उनको भी आप जाकर निपटारा करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पुराने केसेस ही निपटारे जाते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप नए केसेस को भी ले जा सकते हैं वहाँ पर निपटारा करवाने के लिए। तो काफ़ी सुनहरा मौका आ रहा है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो दूसरों तक ज़रूर शेयर करना, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन का जो डेट हुआ है वो काफ़ी करीब आ गई है, ताकि अगर आप नहीं जा सकते तो हो सकता है इस वीडियो को शेयर करने से बहुत सारे लोग हैं जो नेशनल लोक अदालत में जा सकते हैं। कई सारे रास्ते होते हैं, कुछ लोग कई जगहों पर ऑनलाइन भी टोकन ले सकते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपना केस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं नेशनल लोक अदालत में। आप लोगों को बताना चाहूँगा ये 2024 यानी साल का पहला नेशनल लोक अदालत है जो 9 मार्च को आयोजन किया जाएगा, और साथ में बताना चाहूँगा ये ओवरऑल इंडिया में किया जाएगा, हर क्षेत्र में किया जाएगा। तो आप अपने नज़दीकी कोर्ट में जाकर नेशनल लोक अदालत में अपना केस ट्रांसफ़र करवा कर उसको ख़त्म करवा सकते हैं। ध्यान रहे नेशनल लोक अदालत में वही केसेस की सुनवाई होती है जो समझौता योग्य होते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो रीज़न होते हैं, जो सर्कमटेंसेस होते हैं, जो नॉन कंपाउंडेबल होते हुए भी कुछ केसेस होते हैं जहां पर उसको कंपाउंडेबल बना दिया जाता है, बट उसके लिए कुछ खास रीज़न होना चाहिए। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही यूजबल रहा होगा। बाकी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।